आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर टू है हमारा। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल। ठीक है, तो यहां पर जो है वो दो सर्किल हैं, एक की रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है। इसका एरिया यानी A1, इसका एरिया यानी A2, इन दोनों का एरिया जो है वो इन दोनों के एरिया का सम जो है इन दोनों के एरिया का सम जो है वो A3 इस सर्किल के एरिया के बराबर है। अब इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी रेडियस निकालनी है जिसका एरिया जो है वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। तो हम जो है वो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल बी R1। ठीक है, जो है हमारी सिक्स सेंटीमीटर। देयरफॉर द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल इक्वल टू R2, वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। 8 R1 8 ले लें या R2 6 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम ही होना है उसका। और यहाँ पर जो है वो तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल, ये वाले सर्किल की थर्ड सर्किल इक्वल टू R, ठीक है, जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसे R ही रहने देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल वन या फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सर्किल सेकेंड। ठीक है, इन दोनों के एरिया में, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है A3 इक्वल टू A1 प्लस A2, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ वन एंड टू। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसका लगा देंगे हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वन वाले का हो जाएगा पाई आर वन का स्क्वायर प्लस टू वाले का हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहां से क्या है पाई कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद अंदर ब्रैकेट में रहेगा आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। यहां पे पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर और पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आर वन का स्क्वायर, आर वन क्या है हमारा सिक्स का स्क्वायर, आर टू क्या है हमारा एट का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। ठीक है, अब अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, अब इसको अंडर रूट करा, इसके फैक्टर लिए, फैक्टर लेने के बाद जो है वो हमें ये मालूम है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को हम 10 by 10 × 10 लिख सकते हैं। 10 जो 100 होता है, इसमें से एक 10 बाहर ले लेंगे तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इस थर्ड सर्किल की जो रेडियस है जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है वो 10 सेंटीमीटर है। तो एक की 6 दी हुई थी, एक की 8 दी हुई थी, तीसरे की निकालनी थी। R1 पहले वाले की ले ली, R2 दूसरे वाले की रेडियस ले ली, R तीसरे वाले की ले ली। एरिया पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन लेके पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 100 आ गया, तो अंडर रूट करके पेयर बना दी, 10 उसका आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।